हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सुबह की शुरुआत हो गई है और आई एम नॉट वेल एंड इट्स माय बर्थडे। बाहर बहुत तेज की बारिश भी हो रही है और ये प्यारे प्यारे पिजन यहाँ पे बैठे हैं मेरे बालकनी में, बिकॉज बाहर बारिश है, यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो मौसम तो बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक है और बहुत ही काफ़ी अच्छा है। बट कहते हैं ना कि आपको कुछ और मंजूर होता है और नियति को कुछ और चाहिए होता है, तो वही है। और बिकॉज़ मुझे खड़े होने की भी हिम्मत नहीं है, बिकॉज़ हमेशा सोने का मन कर रहा है, बहुत ही लो फील हो रहा है। और पुष्कर काम में गए हूँ, बिकॉज़ काम भी इम्पोर्टेंट है। और ये देखो, यहाँ पे पुष्कर मेरे लिए कॉफ़ी बना कर गए हूँ। ऑफिस तो मैं इसे फटाफट से गर्म करती हूँ, पहले कॉफ़ी पीती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। हाँ जी, तो मेरी कॉफ़ी आ गई है। मैं काफ़ी लेट से उठी हूँ और थैंक गॉड पुष्कर ने श्री को ब्रेकफास्ट करा कर, और फिर मैं ऑलमोस्ट उठी हूँ 11 o'clock, बिकॉज मुझे रात में 3:30 के बाद ही नींद। वो कहते हैं ना, आपका हेल्थ इज़ वेल्थ। तो जब इंसान की तबीयत ख़राब होती है तब पता चलता है कि हेल्थ कितना इम्पॉर्टेंट है। आप सो लेट्स सी, पुष्कर के काम के आने के बाद देखते हैं हमारा क्या प्लान है। और मुझे ये लगता है ना कि जब आप किसी के साथ हो और कोई आपके लिए इतना करे, पुष्कर ने सोचा कि अब अपने हाथों से उसे केक बनाना है, मतलब लाइक उसमें अपने हाथों का मतलब हो जाता है कि ही वॉन्ट्स टू गिव मी बेस्ट व्हाट लव केयर सब कुछ था। और उसने बहुत प्यार से बनाया था, बहुत सारी चीज़ें जो मुझे पसंद है, चीज़ी पिज़्ज़ा, चीज़ बर्स पिज़्ज़ा और काफ़ी सारी चीज़ें, नूडल्स एंड ऑल वट एवर। फिर मैंने कुछ नहीं खाया, अचानक से हो गई लाइक मैं 10 बजे तक भी ठीक थी, अचानक से मुझे ऐसा लगा सर घूम रहा है और अचानक से फिर बेड पे गिर जाने का मन किया, आँख के सामने पूरा धुंधला सा हो गया, ऑल ऑफ सडन सब ये सब हो गया। सो यू डोंट नो, अच्छा खासा माहौल बिगड़ सकता है। सो दिस इज़ द फैक्ट एंड लाइफ फैक्ट। यस, सो गाइज कैसे हैं आप सब? ये बेसिकली दिन का पार्ट है। आपको लग रहा होगा कि कैसा नज़ारा है, तो आप देखो मेरे सामने ये जो बारिश है, मीन्स कि 2 दिन से कंटिन्यू हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया है, तो लो प्रेशर एरिया में होता यूँ है कि कंटिन्यू बारिश होती है, तो वो चल रहा है सिलसिला। अभी टाइम ऑलमोस्ट दिन का आधा हो गया है, 12 बज रहे हैं। मैं निकला हूँ, आप देख रहे हैं मैं अकेले निकला हूँ कुछ शॉपिंग के लिए। बेसिकली अंजलि का बर्थडे है, तो आई जस्ट वॉन्ट टू सरप्राइज हर विथ अ ड्रेस। तो चलते हैं वेस्ट साइड, क्योंकि लास्ट टाइम जब वहाँ पे गए थे तो उसे कुछ पसंद तो आ रहा था बट आ भी नहीं रहा था। एक बार मैं अपनी नज़रों से देखता हूँ कि वहाँ पे क्या मिलता है, तो मज़ा आने वाला है। आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल गाइस। जैसा बोला था, मैं आ चुका हूँ वेस्ट साइड। सो गाइज, ऑल सेट, परचेज डन। ये 2 ड्रेस और एक बेबी के लिए शूज लिया है मैंने। अभी घर चलते हैं सबसे पहले और देखते हैं हाउ विल सी रिएक्ट, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं मैं तो ऐसे नहाया भी नहीं, बस आज दिन ऐसा ही लग रहा है ना, लेजी लेजी सा। आप आज सुन रहे हो बारिश की कंटिन्यू है। आपको एक और खास चीज दिखाता हूँ,
ये है माई किचन, मुन्ना भाई चलाते हैं और इनकी जो बिरयानी है बॉस, ऐसे है तो हर एक आइटम अच्छा, बट अगर बिरयानी एक बार आपने चख लिया तो आई बेट कि आप और कहीं नहीं जा पाओगे दोबारा। मजबूरी में अगर चले भी गए तो वापस यहीं आना होगा। ये लोकेशन है, फ्यूचर मार्ट के सामने यहाँ पे है माई किचन। पर्स ले लिया जाए और कर आते हैं बिरयानी पैक। आज मौसम भी कुछ ऐसा ही है गाइस, बैड लक, हमें आज अपना बिरयानी खाने को नहीं मिलेगा क्योंकि बारिश के वजह से सब कुछ लेट चल रहा है, पूरा सिस्टम हिल गया हुआ है यार, इतना लेट। अभी बोल रहे हैं लगभग आधा घंटा, उनका आधा घंटा मतलब एक घंटे के आसपास, तो एक घंटा रुका तो नहीं जा सकता। ओके मैडम, तो नहीं रुक सकते क्योंकि अगर एक घंटा रुकेंगे तो 2:30 बज जाएगा और भूख से हालत खराब हो जाएगी, तो उससे पहले कुछ जुगाड़ करना होगा। तो चलते हैं सीधा घर, घर पे देखते हैं कि क्या हो सकता है। अंजलि भी भूखी होगी तो लेट्स गो होम एंड सरप्राइज। गाइस मैं घर पहुंच चुका हूं, गाड़ी पार्क कर दी है, चल के ऊपर देखते हैं कैसा माहौल बनता है। सो गए तुम हैं? हैप्पी बर्थडे। आज देखते हैं तुमको मेरा पसंद आता है कि नहीं। दूसरा निकालो। दिस इज फॉर बीच। देखो पीछे से कौन आया। ओए ये साला क्या कर रहा तुम लोग? पॉकेट नहीं है। दूसरा, ये भी तो अच्छा लग रहा है वेस्टर्न में, इतना अच्छा पैटर्न है। तुम बोल रही हो अच्छा नहीं है। अच्छा है बट बहुत नॉर्मल। मतलब ये एब नॉर्मल क्या होता है? चलो ठीक है, दूसरा देख लेंगे चल के। गुड, चलो खाना खाते हैं। गाइस मुन्ना भाई का तो बिरयानी मिला नहीं, टाइम लगने वाला था। हम एक और दूसरी जगह से बिरयानी लेकर आए, दिखने में देखो कितना डिलीशियस लग रहा है, तो खाते हैं इसको और फिर शाम का जुगाड़ करते हैं। A few moments later. So, दोस्तों वापस से स्वागत है आपका, और हम लोग अभी काली काली कार में लाल लाल कार के अंदर काला काला ड्रेस पहन के बैठ गए हैं और निकल गए हैं थोड़ा बाहर की तरफ, देखने क्या मस्ती और ढूंढ सकते हैं हम लोग। बारिश हो रही है अभी भी कंटिन्यू, लेकिन इसका दूसरा साइड इफेक्ट क्या है कि बेटर इफेक्ट बोलेंगे, मौसम बहुत ही मजेदार हो गया है। हम लोग निकले हैं वो सीक्रेट है। मीनवाइल मैं बता दूं कि ये जो ड्रेस पहनी है ये मैंने नहीं लाया, मैंने जो लाया उसने ट्राई करके रख दिया। चलो अच्छा तो लगा, बट नहीं उसमें का एक लूंगी रखूंगी मैं, और दूसरा वाला उतना ज्यादा वर्थ नहीं है और बहुत नॉर्मल सा लग रहा है, तो आई विल गोइंग टू एक्सचेंज। ओके, तो अभी एक्सचेंज वगैरह का पार्ट तो नेक्स्ट आएगा। आज की बात यह है कि जो पहले का ओरिजिनल साइज था उसमें ये लौट रही है अभी, मतलब कि एक्सल पहनने का जरूरत नहीं है, है ना? तो ये बेबी का आफ्टर इफेक्ट था, लेकिन इसको टाइम लगता है, धीरे धीरे जाता है कोई चीज। पोस्टपार्टम जो प्रेगनेंसी होता है एटलीस्ट 1 ईयर तो लगता है। टू बी वेरी पेशेंट कि एक साल आराम से निकालना है, कोई बहुत ज्यादा
हार्ड कोर वाला डाइट वगैरह नहीं लेना है, क्योंकि जो बॉडी होती है उस टाइम उसको न्यूट्रिशंस का बहुत ज्यादा जरूरत होता है। तो बिल्कुल भी डाइटिंग फाइटिंग ये सब सुनने में मत जाओ, नॉन नेचुरली होने दो चीजों को। तुम्हारा यही फेवरेट जगह है, यहाँ से पूरा देखते रहती है। गाइस हम लोग निकल तो चुके हैं, लेकिन ये देखो हमारे यहाँ जो नदी है इसके अंदर कितना ज्यादा पानी आ गया है, पूरा पानी भर गया है। ये बरसात का पानी है और अभी मौसम भी कुछ गाइस हम लोग डेस्टिनेशन में फाइनली पहुंच चुके हैं। ये भुवनेश्वर के अंदर ही एक लोकेशन है, बहुत सिंपल सा लोकेशन है, चूंकि मौसम ऐसा खराब है और हवा भी तेज चल रही है यहाँ पे। लाइट को क्या हुआ, लाइट को ऑन कर दो। ऑन है हाँ, तो हवा भी तेज चल रही है, इस वजह से हम लोग बाहर नहीं निकल पाए, क्योंकि जब बेबी साथ में होती है ना तो थोड़ा मौसम वगैरह का ध्यान रखना होता है। तो चलो आपको वेन्यू दिखाता हूँ अंदर में, और अंदर कैसी तैयारी चलती है फिर बात करते हैं आगे। क्या जी बेटा, अच्छा। आ रहा तुम्हारा, आ रहा पनीर, आ रहा यू विल हैव पनीर, वी विल हैव दिस। चलो स्टार्ट करो। So guys, finally, आज की रात ओवर होती है और बेबी सो चुकी है और हम अपने पार्किंग में पहुंच चुके हैं। सो गुड नाइट, इस तरीके से ही आपका प्यार हमारे साथ हमेशा शेयर करते रहिए, और मैं भी हमें भी बहुत अच्छा लगता है आपसे इंटरेक्ट करके। तो प्लीज़ आपके जो भी दिल की बातें हैं या फिर कमेंट्स हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इससे हमें काफ़ी हौसला मिलेगा और हम आपके लिए और भी बेहतरीन कंटेंट लेकर आते रहेंगे इसी चैनल पे। तब तक के लिए हमारे चैनल को करें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। गुड नाइट, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। सो गाइस अंजलि तो सो चुकी है, बट अभी जो है गिफ्ट का पार्ट अभी बाकी है, क्योंकि अभी तक मैंने उसको दिया नहीं। तो चलिए रिएक्ट करते। सो भी हो गया अंजलि, उठो। तुम्हारा गिफ्ट नहीं मिला ना अभी तो मुझे। सरप्राइज तुम बोल रहे थे। ये सरप्राइज, ये सरप्राइज।
सोच लो खोलो तो फोन की जगह पे साबुन का टिकिया नहीं निकल जाए। प्रो मैक्स अल्ट्रा मैक्स खोलो सरप्राइज था ना हाँ? सरप्राइज था ना इसलिए नहीं दिया था। सो गए बेबी देखो गहरी नींद में सो गई है। इसके ऊपर भी बात वगैरह का कुछ भी असर नहीं होगा। आज तो तुमको नींद नहीं आएगा। सबको चाहिए लेकिन मिलता सबको नहीं। थैंक यू। तो अभी आप देख रहे हैं मेरे हाथ में 13 है। चूंकि मेरे को साइज बड़ा पसंद नहीं है और मेरे यूज में नहीं आई ट्विन 13 प्रो मैक्स, मेरे को उतना फर्क पड़ता नहीं है। तो दैट्स एनफ फॉर मी विच आई एम होल्डिंग इन माई हैंड राइट नाउ। एंड आपने देख ही लिया कि मैडम जी का क्या सातवें आसमान पे मस्ती था। सो इसी के साथ अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय गुड नाइट।